ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਬੜੀ ਕਾਲ ਬੜੀ ਹਮ ਮਾਦਰਤ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ आपसे माफी मांगने आए हैं हाथ जोड़ने आए हैं कि हाई कोर्ट ने आपको जस्टिस नहीं बनाया और यहाँ पे एडिशनल जज बना के भेज दिया क्या हो गया सर मेरी बात समझ आई आपको हम आपसे माफी मांगते हैं कि हाई कोर्ट ने बड़ी उल्लू का पट्टा हाई कोर्ट इसने आपको यहाँ भेज दिया लैंग्वेज कोई बात नहीं 3 दिन में 4 दिन में मुझे 20 शिकायतें आपकी आ गई हर वकील को साथ आप बदतमीजी करते हैं हर वकील के साथ बदतमीजी करते हैं मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा नहीं 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 अपना रवैया ठीक करें ये जो है ना मेरे छोटे भाई बच्चे ये मेरे बेटों की तरह अपना रवैया ठीक फरमा लें या फिर हाईकोर्ट जाके जस्टिस बन जाए आप मुझे फरमाएं कि कंप्लेन क्या है मेरे खिलाफ ये मेरा भाई कोई ना बोले फ्री अरेस्ट में मुलजिम भी हाजिर था इसका मुंशी भी हाजिर था ये किसी और अदालत में था या जो भी उसने आके कहा कि जी वकील साहब आ रहे हैं जनाब ने फरमाया ना मैं इंतजार करता हूं ना क्या कहा भट्टी साहब बताएं मास्क उतार के बुलाए ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो ये कहा है मैंने बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल गलत बयानी कर रहे सर मैं यहाँ पे हमें सबसे पहले सबसे लोग की बहुत बड़ी देर लगी हुई है वकील साहब दीवार है उन्हें खाना पूरी नहीं उसको डेट संभाल डेट साहब ने कहा जी डेट कोई नहीं हुई उसमें बहस करेंगे फैसला होगा वकील साहब अच्छा बुलाई हुई है मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने कहा जैसे साहब ने पूछा जी मैंने कहा सर वकील साहब मैंने आना पूरी डेट संभाली जैसे कहते हैं कि आप मेरे से बात क्यों कर रहे हैं बिल्डर से बात आज सुबह से यहाँ पे मुंशियों को अरेस्ट कर रहा हूँ आज के बाद कोई मुंशी मेरे से बात नहीं करेगा तो ये गाइस जो है ये वकीलों के लिए मुंशी के लिए इसमें कौन सी गुस्सा ही की है पहली बात यह कि मैं वकील साहब का पाबंद नहीं हूँ उन्होंने आना है आगे बहस करते नहीं आना है बेशक नहीं आना अच्छा है अच्छा इस पूरी गुफ्तगू में नहीं आराम से मेरी बात सुने आप मुझे लाउडली बोल रहे मैं लाउडली और बैठा मैं इससे लाउडली से और भी कुछ करूं फिर इसका मतलब 20 अदालतें हैं यहाँ पर 8 यहाँ पे एडिशनल चार्जेज जज हैं हम अपने टोटल कर लें 8 भाई हर अदालत में हम पहली पुकार में शामिल हो सदर साहब आप क्या कर रहे हैं मैं यही कर रहा हूँ अगर हमने किसी और अदालत में पेश होना है तो हम जिस अदालत में पहले बुलाई होगी जिस अदालत में फिर मैं इंतजार में रखता हूँ जी ना तो फिर ये क्या बात है कि मुंशी ना पेश हो क्यों ना पेश हो मुंशी मुंशी का रोस्टर पे आना नहीं है क्यों नहीं और मुंशी पर बाहर अकल की बात है अकल की बात है अगर कोई अकल की बात है हाँ कि मुंशी ना आए तो फिर कौन आए मुंशी नहीं आएगा तो वकील भी नहीं होगा मुंशी भी नहीं होगा क्लाइंट बताएगा क्लाइंट कौन से आएगा वकील आके बताएगा ना लीडर को आके बताएगा ये बात नहीं करेगा हाईकोर्ट में तो वो जाके मुंशी कह देते हैं कि फलां अदालत में इंतजार में हो जाता आपकी फिर मेरा मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है जहाँ मैं मुंशी नहीं पेश हो सकता आपका ग्रीवियस क्या है मुझे ये है कि अगर वकील किसी और अदालत में हो और मुंशी साहब तशरीफ लाए तो वो हमें हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अच्छा उसको ये कहना कि मैं तेरे से बात नहीं करता कौन सी आपसे कौन बात करेगी पहले मुझे बता दो कौन सी तो नहीं हो गई अब ये भी बता दी कि मैंने पहले फैसला कर देना क्यों कर देना पहले रवैया आप हाईकोर्ट में शरीफ ले जाए वहां पे जाके चार्ज संभाले जस्टिस बन जाए यहाँ भाई आपके शायान निशान ही अदालत नहीं है ना हम आपके शायान निशान हमारे मुंशी अगर आपको बर्दाश्त नहीं होते हम ये अदालत ऐसे मेहरबानी फरमाएं ये रवैया यहाँ नहीं चलेगा और दिस इज दिस इज दिस लास्ट टाइम कि हम ये बेहद कर रहे हैं दिस इज द वे योर कंप्लेन नहीं इस दी वे मैंने 4 दिन में 4 आपकी शिकायतें कल आपने टॉन्ट किया मेरे वकील को वो मेरे पास आया सरदार दादा तजम्मुल के जी वहां पे पूरी अदालत में मेरा मेरे पे हंसी लगवाई कौन से पहले लगवाई गई उससे पहले मैं मेरी बात सुने बस आगे आ जाए ये आखिरी वार्निंग है या तो यहाँ से तशरीफ ले जाए ट्रांसफर करवा लें या यहाँ पर एडिशनल सेशन जज बनकर बैठे बस इसका और कोई आप एक बात बताएं आप दयानतदारी करते हैं हमारे पे एहसान करते हैं बिल्कुल नहीं करते तो फिर आपका जो रवैया है ना आपकी जो बातचीत है
ये हमारे साथ सही होनी चाहिए। इज्जत की जाती है तो इज्जत मिलती है, ये रेसिप्रोकल। हम इज्जत के लिए वकालत का पेशा हमने अडॉप्ट किया है, एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट एनी अदर पर्सन। ये वो कुर्सी है जहां यहां से लोग उस पे जाते हैं और वहां से इधर आते हैं। इतना रेसिप्रोकल अदब है जो कोर्ट बार और बेंच का है। जो जजेस तो अखलाक सिखाते हैं, और अगर जजेस में टेम्पो ना हो समाज करने का, पेशेंस सेने का, तो सब उन्हें सोचना चाहिए। हम तो बहुत हौसले से, जो प्रोफेशनल एडवोकेट है वो तो हर वक्त हजारों के उनको ओबे करते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है कि जो जजेस से आज जो रवैया वो थोड़ी सी बात सख्ती से कर रहे हैं, ये इनकी शख्सियत में नहीं है। मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल दोस्त, खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जो अपने अपने मेरिट के लिए जो बातें करते थे करते हैं, इनमें वो बात नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने बहुत दिया हुआ, बहुत कदर है, बहुत इज्जत है, बहुत प्रॉपर्टी है। यहाँ करती है तो हमारी नुमाइंदगी के लिए फायदा है। जो अंदर जजेस की इज्जत हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारा प्रोफेशन ही एहतराम वाला है, ये काला कोट ही एहतराम वाला है। रेसिप्रोकल है योर ऑनर कि आप अपने इन वकीलों को, मुंशी हमारे ऑफिस बेहतर होते हैं। हम हर केस में तो नहीं आ सकते जनाबे वाले, उनको भेजे पता करो नंबर कितना है, किस वक्त जज साहब ने बुलाना है, एविडेंस आई हो गया नहीं है। जी जी कि आप सब मेरे पास गुस्से में तशरीफ लाए हैं, बात सुनी है, अब मेरी भी सुनिए। आप वन साइडेड स्टोरी सुन के तो आप मेरे पे कोई कमेंट्स नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात नहीं, इसको माइंड अप करके बात सुन ले। मेहरबानी फरमा के या तो हम आपके लायक नहीं है, ये कुर्सी आपके लायक नहीं, आपके लायक है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां जाके जज बन जाए। हमें अल्लाह आपको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई अदालत दबाव ले जाए, हमें कोई इतराज नहीं, अल्लाह करे चले जाए। लेकिन जब यहाँ पे आप हैं, आपकी ईमानदारी हमारे पे कोई आसान नहीं है। आप ईमानदार, मैंने कब क्लेम कर दिया ईमानदारी का? अब आप अपना रवैया या तो तब्दील फरमा ले भाई। आप मुझे सदर साहब रवैये में बताए ना कि रवैया और क्या है, क्या मुंशी को कहते हैं मेरे से बात ही ना करे? तो हम सदर के पास जाएंगे, हमारा सबसे पहले फर्ज यही है कि हम सदर के पास जाएंगे। आज आज सदर पहली बार आपके पास में पेश हुए, अब हो जाएगा। अच्छा, अब हो जाएगा। आप ईएसए पे बात किए जा रही है, ईएसए पे बात किए जा रही है। सर असल बस ठीक हो जाएगा। सर हमने अपनी बात कर ली है, आइंदा मेरे किसी वकील के साथ कोई इंसल्टिंग बिहेवियर हुआ या कोई टॉन्टिंग जुमला हुआ या अगर कोई मुंशी आके ये यू आर एक्सप्रेसली थ्रेटनिंग, नॉट आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कम इन टू मी। नहीं, रिक्वेस्ट करने का और जो रिक्वेस्ट यू शुड हैव, तो पिछले 9 महीनों से जैसे मैं सदर मेरी बात सुने, बस जब मैं सदर बन तो कोई तरीका नहीं है, जब से है सदर बना, मैंने आज तक किसी थर्ड क्लास सिविल जज को ओए करके नहीं कहा। बात तो मुझे तो क्योंकि आपका रवैया मेरे, मैं सरबराह हूं सितारे का, एंड आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। यस, उनकी ऑनर को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप मेरी बात सुन ले, नहीं बस नहीं बस आज मेरे किसी वकील के साथ आपकी मिली हुई तो मैं ये अदालत बंद कर दूंगा। जनाब इस वक्त वकील साहब प्रॉब्लम है ना, बने मेरे लिए भी और सेशन जज साहब के लिए भी, बस मेरी भी सुने ना। नहीं होता, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा करके दालों की जरूरत है। बंद करो अदालत को, आज नहीं बाद में करके कोशिश नहीं करनी। चलो बहस Thank you.
चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।